अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर वजिया हूँ। मैं मुंबई मेडिकल में थर्ड ईयर MBBS में पढ़ती हूँ और आज हमारे कॉलेज में बसंत फेस्टिवल हुआ है तो हमने अभी लगाया है बिरयानी का स्टॉल। तो और भी बहुत सारे स्टॉल हैं, जैसे पतंग का स्टॉल है, गोला गंडा, यहाँ लेमिनेट का स्टॉल है और लिमका है और गेम्स वगैरह भी हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट होता है और हमें बहुत मज़ा आता है। इट्स लाइक एज मेडिकल स्टूडेंट हमारे लिए एक रिफ्रेशिंग चीज़ हो जाती है, हम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं अपने डेली हेक्टिक रूटीन से। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा इवेंट है जो अरेंज हुआ है। सेकंड ईयर BDS और मेरा स्टॉल मीठे पानी और मीठा पानी क्या है। असल में हमारा ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम की है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के बाद हम सोच रहे हैं जितने हमारे इन्वेस्टमेंट वापस करें उसके बाद हमारा जो लेफ्ट मनी जो प्रॉफिट होगा हम डोनेशन करें। तो हमारे इसके पीछे ये है कि हम डोनेट करें, हमारे हॉस्पिटल में ही सारा बाद में डोनेट करें कि जो खर्च हो किसी अच्छे काम में खर्च हो। हम नए मौसम को जो है वो वेलकम कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से हमने स्टॉल लगाया है। हमारे स्टॉल में जो है आइसक्रीम पार्लर उसका नाम है, उसमें मुख्तलिफ वैरायटी की हमने जो है आइसक्रीम रखे हैं। साल में सिर्फ एक दफ़ा ही आता है ये फेस्टिवल और ये काफ़ी इंजॉयबल फेस्टिवल होता है, मतलब हर कोई इस चीज़ को इंजॉय बहुत करता है। मतलब ये एक किस्म का गेट टुगेदर हो जाता है, सारे जो हैं वो पूरे बैच के सारे बैच इकट्ठे होते हैं और हल्ला गुल्ला खाना पीना, बसंत होती है जिसमें पतंगबाजी जिसको बोलते हैं हम, गाइड्स वाला काम वो चलता है। तो स्टार्स पे मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर कोई अपनी जो है सजावट अपना जो है हुनर पेश करता है कि उनको वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कौन कौन सी जो है जिनमें वो इन्वॉल्व हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत मतलब कि ना रजी साहब का ये हमारे ऊपर बड़ा है। हमारा बसंत फेस्टिवल है मोहम्मद इब्ने सीना यूनिवर्सिटी में, मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बसंत फेस्टिवल में और बाकी स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं और यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं जिससे बच्चों को बहुत अपने आप को रिफ्रेश करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं जिस तरह अभी पीछे काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ पर भी इंजॉयमेंट हो रही है। तो प्रिंसिपल साहब का काफ़ी बच्चे मशहूर हैं इसलिए काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन ये है कि हवा का क्योंकि रुक नहीं है इस वजह से हमारी पतंग उड़ नहीं रही है, लेकिन बाकी फेस्टिवल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ऑफकोर्स कलर्स का है, पतंग का है, तो हम तो इंजॉय करते ही हैं, पर ये हमारी पतंग को ही उड़ा दें।